ब्रह्मानंद विद्या मंदिर चापड़ा ऑनलाइन एजुकेशन में मैं रीति जोशी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रा धोरण 10 हिंदी पद्य 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इस काव्य में रैदास ने प्रभु के साथ जो उनकी भक्ति भावना है उनका निर्देश किया। वो प्रभु के साथ भक्ति भाव से जुड़ा ही रहता है। अच्छे समय हो या बुरे समय हो वो प्रभु के साथ नजदीक रहना चाहता है। तो इस काव्य के बारे में हमने पहले वीडियो में परिचय दिया था, कवि के बारे में दिया था, जो कठिन शब्दों है उनके बारे में अभ्यास किया। तो आज हम पदों के बारे में अभ्यास करेंगे, पर उनके पहले एक बात जरूर याद रखना छात्र, जो बोर्ड की परीक्षा है उनमें पूछा जाता है काव्य के कवि का नाम क्या है, कवि का जन्म कब हुआ था, कवि का निधन कब हुआ था, काव्य के साहित्य प्रकार क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो छात्रगण फिर से याद रख लेना कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य के कवि का नाम रैदास है। रैदास का जो नाम है वो रविदास है। रैदास का जन्म 1388 में हुआ था और उनका निधन 1518 में हुआ था। रैदास है वो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, अपने भक्ति भाव से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए उसने भिन्न भिन्न उदाहरण भी दिए। क्या क्या उदाहरण दिया था? चंदन और पानी, बादल और मोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, स्वामी और दासा। इसे ऐसे उदाहरण देकर रैदास ने बताया है कि वो प्रभु के नजदीक ही है। तो आज हम पद के जो अभ्यास प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन है तो हम पानी है, जाकी अंग अंग वास समानी। रैदास प्रभु को कहते हैं हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। जैसी तरह चंदन को पानी के साथ घिसने पर चंदन में जो खुशबू है सुगंध है वो पानी में व्याप्त हो जाती है, ऐसी ही तरह हे प्रभु मैं आपके साथ रहकर आपकी जो भक्ति भावना है वो मेरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, मेरा समर्पण भाव आपकी तरफ आपके साथ चंदन और पानी जैसा है। दूसरी पंक्ति में रैदास प्रभु को कहता है हे प्रभु तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास प्रभु को कहते हैं हे प्रभु मेरा समर्पण भाव घन यानी बादल, बादल और मोरा, मोरा यानी मोर, मेरा समर्पण भाव आपके साथ बादल और मोर जैसा है। जैसे बादल को काला देख कर मोर नाचने लगता है, इसी तरह हे प्रभु मैं आपका दर्शन करके
की भक्ति में रैदास ने प्रभु को कहा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, हे प्रभु आपके साथ मेरा समर्पण भाव दीपक और बाती जैसा है, जैसे बाती स्वयं जलकर दीपक के साथ रहकर शांति का अनुभव करती है, इसी तरह हे प्रभु मैं आपके साथ रहकर मेरा अस्तित्व मिटाकर आपके साथ रहकर मुझे खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। चौथी पंक्ति में रैदास ने प्रभु को कहा है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन की मिलत सुहागा। चौथी पंक्ति में रैदास ने प्रभु को कहा है, प्रभु मेरा समर्पण भाव आपके साथ मोती और धागा जैसा है, जैसे मोती की माला में धागा आता है, धागा के साथ मोती जुड़े भी रहते हैं, क्योंकि मोती धागा में पिरोए जाते हैं। तो इसी तरह हे प्रभु मैं भी आपके साथ धागा की तरह रहना चाहता हूँ और आप मेरे लिए कीमती मोती है। कीमती मोती धागे के साथ पिरोए जाते हैं, इसी तरह मैं भी अपनी भक्ति भावना से आपके साथ जुड़े भी रहना चाहता हूँ। पांचवी पंक्ति में रैदास ने प्रभु को कहा है, हे प्रभु तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रैदास। रैदास ने पांचवी पंक्ति में कहा है, हे प्रभु आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा समर्पित सेवक हूँ, यानी नौकर हूँ। आपके साथ में दास्य भाव से रहना बहुत चाहता हूँ, बहुत इच्छा है मेरी। तो हे प्रभु आपके साथ मेरा दास्य भाव है,